दोस्तों आज हम मिलवाएंगे अपने दोस्त से जो राजस्थान चोरू डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और उद्देश्य है बॉडी बिल्डिंग करने का, बॉडी बिल्डिंग के द्वारा कामयाब होने का। तो दोस्तों मैंने भाई मेरा इंस्टाग्राम पे फ्रेंड था और इसने मुझे मैसेज किए, बोला गुरुजी मैं आना चाहता हूँ, मैं आपके पास ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। मैंने मना भी किया, यहाँ पे अभी वो व्यवस्था है नहीं जो होनी चाहिए, यहाँ पे अभी हमारा जिम नहीं है, दूसरे के जिम में ट्रेनिंग करते हैं, तो अभी मैं जल्दी में जिम खोलने की सोच रहा हूँ। जब मैं बोला था कि भाई को जब जिम खोल लेंगे अपना तब आना आप, लेकिन भाई बोला नहीं गुरुजी मुझे आना है, दूसरे के जिम में ट्रेनिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप मुझे बस ट्रेनिंग करवा देना। तो भाई चूरू डिस्ट्रिक्ट से आया, मैंने पहले मना भी किया बहुत, भाई बॉडी बिल्डिंग के बारे में मैंने समझाया, भाई देख बॉडी बिल्डिंग में बहुत खर्च है, मेहनत है, मेहनत तो सभी गेम में है लेकिन बॉडी बिल्डिंग में खर्च बहुत ज्यादा है भाई, डाइट का खर्च है, सप्लीमेंटेशन का खर्च है, तो बॉडी बिल्डिंग में खर्च बहुत है। मैंने भाई को समझाया कि भाई बहुत महंगा गेम है, आप बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में ना पड़ो, वैसे भर्ती देख लो, आर्मी की, पुलिस की, फोर्स की भर्ती देख लो या फिर पढ़ाई कर लो अच्छी। लेकिन भाई नहीं मानना, भाई फिर मैं भी बोल दिया करना है तो फिर आ जा करवाऊंगे तो ठीक से करवाऊंगे। तो भाई भाई से मिलवाते हैं आपको, भाई भाई का नाम कन्हैया है, तो कन्हैया आप बताओ भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ रहते हो, पहले अपने क्या क्या प्रैक्टिस की? मैं राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और सुजानगढ़ मेरी तहसील है, गांव मेरा जोगलिया है। तो मैं यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग के उद्देश्य से आया हूँ, मैंने भाई साहब से बात की इंस्टाग्राम पर, फिर मैं यहाँ चला आया। वो मुझे अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छी मेरे को नेचुरल डाइट बता रहे हैं जिससे मेरा नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, मुझे घर का ही खाना बता रहे हैं, सप्लीमेंट मैं अभी यूज नहीं करता हूँ। भाई एक बात और बताता हूँ, अब तक कन्हैया ने अब तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, कोई टैबलेट नहीं ली और कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, और मैंने भी ऐसी कोई चीज इनको नहीं बताई। तो भाई मैं कोशिश कर रहा कि भाई को बिल्कुल नेचुरली कराऊं। तो भाई आप वहाँ पर क्या क्या प्रैक्टिस करते थे, क्या कैसा बॉडी बनाई? बॉडी भी आपको दिखाएंगे भाई की, थोड़ी देर में आपको बॉडी भी दिखाएंगे, लास्ट में बॉडी बहुत अच्छी है, नेचुरल बॉडी बना रखी बिल्कुल। इनके गांव में जिम भी नहीं था तो पूरा भाई जी पूछते हैं, तो भाई वहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिस करते थे आप? मैं सुबह जल्दी 4 बजे खड़ा हो जाता था, फिर मैं डेली 2 किलोमीटर रनिंग करके पुलअप्स मारता और डेली पुशअप्स मारता। पुशअप्स और पुलअप्स? पुशअप्स और पुलअप्स से ही मैंने नेचुरल बॉडी बनाई है। कितने करते थे? मैं डेली लगभग 300-400 पुशअप्स लगाता था और 200 पुलअप्स लगाता था जिससे मेरा नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो क्या क्या डाइट खाते थे भाई? डाइट में मैं सुबह दलिया, चना और मूंगफली के दाने और घर में जो देसी खाना है वही खाता था। अच्छा भाई कब से कर रहे हो आप देसी, कब से कर रहे हो आप? मैं लगभग 2-3 साल से कर रहा हूँ। 2-3 साल हो गए। तो गांव में जिम है? गांव में जिम नहीं है। अच्छा बस ये देसी पुलअप और पुशअप? देसी पुलअप और पुशअप से ही। अच्छा भाई घर में कौन कौन है मेंबर? घर में मेरे माता पिता है, मेरे 3 सिस्टर है और मैं एक भाई हूँ। सर एक ही भाई हूँ? हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा कारपेंटर का काम करते हैं। भाई देखो भाई की जॉब भी नहीं है और ज्यादा काम घर का इतना अच्छा भी नहीं है कि बहुत सारे पैसे हैं, तो भाई को होना है कामयाब इसके द्वारा, ये तो भाई की जॉब लग जाए या फिर ऐसे लेवल पे भाई पहुंच जा के जिससे ये खुद कमाई कर सके, जिससे ये कमा खा सके, कामयाब हो जाए। बस बात यह है कि भाई को कामयाब होना है बॉडी बिल्डिंग के द्वारा। मैन तो इच्छा देखो ये है भाई की, भाई की जॉब लग जाए बॉडी बिल्डिंग से, आर्मी में ट्राई करवाऊंगे नहीं तो फिर रेलवे में ट्राई करवाऊंगे, कोशिश करेंगे हम भी हेल्प करेंगे जहाँ तक हमारे से होगी। और भाई भाई के पास मैं इतना पैसा भी नहीं है कि भाई फीस दे सके, तो मैं ट्रेनिंग की फीस भी नहीं ले रहा भाई से बिल्कुल भी। इतनी दूर से ये बोला था मेरे से, बोला भैया फीस बताओ, मैं कहा भाई फीस कुछ नहीं, तुम इतनी दूर से आ रहे हो, बॉडी बिल्डिंग का खर्चा वैसे ही बहुत है, मुझे पता है खुद बॉडी बिल्डिंग में कितना खर्च होता है, और तो इसकी मेहनत है, हमारा गाइडेंस है, तो बस कोशिश यही रहेगी कि इसे कामयाबी मिल जाए। अच्छा भाई ने अनुज का नाम सुना था, फिर मेरा नाम सुना, भाई वीडियो देखता रहता हमारी, तो इसे जानकारी मिली कि भाई ट्रेनिंग भी करवाते हैं, तो ये जब नाम सुन के मेरे पास में आया। तो भाई बताओ तुम ही बताओ कैसे कैसे करते? मैं यूट्यूब पे बॉडी बिल्डिंग के ज्यादातर वीडियो देखता रहता हूँ, फिर अनुज भैया का वीडियो मेरे सामने आया, तो मैंने उनका जो चैनल है वो एक खोला, फिर भैया का चैनल मेरे सामने आया, तो मैं डेली वीडियो देखता रहता था, फिर भैया से मैं जुड़ गया और इंस्टाग्राम पर मैंने बात की और मैं यहाँ आ गया।
तो भाई अभी आपको कन्हैया की बॉडी भी दिखाते हैं कैसी बॉडी है। चलो भाई कन्हैया एक बार बॉडी दिखा दो। चलो ये देखो भाई नेचुरल बॉडी है बिल्कुल। ये घर पे ना ये घर पे बस खाली पुशअप और चिन अप करते थे। इनके गांव में जिम नहीं था और ये पुशअप और चिन अप करते थे घर पे बस। ये बिल्कुल नेचुरल बॉडी है। आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं खाया, कोई टैबलेट कोई इंजेक्शन नहीं यूज किया। ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नेचुरल बॉडी है, बहुत बढ़िया भाई। कपड़े भाई ये थी बात कन्हैया की। कन्हैया आया है तो देखो इसको करवाओगे और कोशिश करेंगे इसे अच्छा ही करवाने की। और तो इसकी मेहनत है, बाकी अपनी तरफ से हम कमी नहीं छोड़ने के। अच्छा और भी लड़के हैं और भी दोस्त हैं जो मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते रहते हैं, लेकिन ये पहला बंदा है जो इतनी दूर से मेरे पास में आया। गाँव के भी हैं लड़के, कई अपने छोटे भाई भी हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन ये पहला बंदा जो इतनी दूर से आया। और भाई पूरी हेल्प करेंगे भाई की, और भाई की भी किसी की। देखो पहले तो बात मैं बॉडी बिल्डिंग करने की किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि बहुत महंगा गेम है बॉडी बिल्डिंग। मेहनत का तो गेम है ही, उसके साथ साथ में खर्च भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं सबको सलाह नहीं देता। लेकिन कोई करना ही चाहता है तो भाई मोस्ट वेलकम है, आके कर सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए ऑनलाइन ले सकता है, और यहाँ के करना चाहे कोई यहाँ के कर सकता है। जैसी जो बंदा करना चाहे, नेचुरल तरीके से करना चाहे, सप्लीमेंटेशन से करना चाहे, जैसा जो करना चाहे वैसे ही करवाऊंगे। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।